नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके घर को उजाड़ने पर तुला है यह एक इंसान, और पिछले 2 सालों में इसने आपको बिल्कुल ही तबाह करके रख दिया है। ये दोस्तों, अगर अंशे अभी भी आप नहीं संभले तो दोस्तों ये आपके जीवन को धीरे धीरे बिल्कुल ही कंगाल कर देगा। आपको धीरे धीरे ये खाई में लेकर जाने वाले हैं। ये दोस्तों, इसलिए समय रहते इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, क्यों दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए वे सभी बातें हैं जिनकी आप पिछले कई समयों से कामना करते थे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यह कौन सा व्यक्ति है जिनकी वजह से आपके जीवन काल में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आखिर वह कौन व्यक्ति है जो कि आपके घर को उजाड़ने पर तुला है। जी दोस्तों, हम यशमीन सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे आपके आने वाले समय में क्या क्या बदलाव होंगे, इन्हें आप कैसे अपने जीवन काल से निकाल सकते हैं, पिछले समय में इस व्यक्ति के कारण आपको कौन से दुखों का सामना करना पड़ा है, कौन सी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा है, इन्हें सभी के बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे आने वाला समय आप सभी के लिए किस प्रकार साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होगी। उससे पहले दोस्तों, जो भी बात वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो मित्रों, जरूर लिखिएगा, और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं पहले आपके पिछले समय की घटनाएं के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने अपने जीवन काल में पिछले समयांतराल में हर मौसम को देखा है, आपने हर मौसम को झेला भी है। यहाँ पर हम आपको मौसम यानी समय की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मौसम का मतलब समय है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपने हर तरह के मौसम को देखा है, हर समय में हर प्रकार की परिस्थिति और सिचुएशन को झेला भी है। अपने जीवन में अच्छा भी देखा है तो आपने अपने जीवन में बुरा भी ज़रूर देखा है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में खुशियां जहां देखी है वहीं अपने जीवन में गम भी आपने देखा है। दोस्तों, पिछले समय अंतराल में आपने उम्मीद भी रखी है, आपने अपने उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाला हमारा कल बहुत ही अच्छा होने वाले हैं। आपने सोचा है कि आने वाले समय में हमारी किस्मत ज़रूर बदलेगी, और आप अपने मन में ये सोचते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपने पिछले समयांतराल में यह भी सोचे हैं कि आने वाले समय में हमें बेहतरीन परिणाम ज़रूर देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि दुख में, दर्द में, चाहे आप कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, आप अपने दुखों को किसी के साथ व्यक्त नहीं करते हैं या फिर कर भी नहीं पाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके मन में बहुत कुछ करने की इच्छाएं होती है, कुछ करने की, कुछ बनने की अनेक इच्छाएं, अनेक तमन्नाएं रहती है। आपके मन में कुछ ऐसे भी तमन्नाएँ होती है कि आप अपने जीवन में जो आपके मनपसंद चीज़ हैं आप उन्हें प्राप्त कर सकें, आप उन्हें मनपसंद की चीज़ों को, मनपसंद के कार्यों को करें और जिस लेवल पर जाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। लेकिन दोस्तों, आप समय की मार और घर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को देखते हुए पीछे हट जाते हैं, या फिर कहीं पर आपको समय की ऐसी मार पड़ती है कि आप अपने अरमानों को अपने अंदर ही दबा लेते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि आप जानते हैं आप जिस स्थिति पर है, जिस भी लेवल पर है, जो भी कार्य को आपने अचीव किया है वो आपकी मंजिल नहीं है। आप अपने जीवन में अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, आपके बड़े सपने हैं, आप बड़े ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, ऐसी आप कोशिश भी हमेशा कर रहे हैं। आप बड़े लोगों को देखकर, अपने सपनों को देखकर अपने मन में हमेशा इच्छा बनाते रहते हैं कि हमें अपनी मंजिल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी, और आप जहाँ हैं वहाँ पर आप खुश नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों ने कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपसे जितना हो सका, आप जितना प्रयास कर सकते थे आपने पूरा प्रयास किया, पूरे हृदय से, दिल की गहराइयों से आपने सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, पूरा जी जान से मेहनत की है। लेकिन दोस्तों, अभी भी आपके कुछ महत्वपूर्ण सपने हैं जो आज भी पूरे नहीं हुए हैं, आज भी अधूरे हैं, और उनको प्राप्त करने की जो ललक है, जो तमन्ना है, वो आपके अंदर अभी भी है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दें
कि आप जिनके लिए महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर उनके सहायता करते हैं, दिलो जान से उनकी हेल्प करते हैं, आखिर वही आपको धोखा दे देते हैं। और जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों वे पीठ पीछे करके आगे चल देते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आपके जीवन में कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित हुई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटनाएं भी घटी है। यहाँ तक कि कभी कभी आप अपने पूर्व समय को याद करके बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कभी आप अकेले में बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि आपके जीवन में जो आप बनना चाहते थे, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते थे, वहाँ पर अभी भी पहुँच नहीं पाए हैं। इसके लिए आप पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या वह कौन सी वजह है, कौन सा कारण है जिससे आपको सफलता अभी तक नहीं मिल पा रही है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसे बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहला कारण है धोखा। दोस्तों आप अपने जीवन में जिनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी सहायता कर उन्हें आगे बढ़ाते हैं, जिनको आप अपनी सारी जानकारियां भी देते हैं, वही लोग आपको धोखा भी दे देते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दें कि दोस्तों आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जल्दबाजी और उतावले से कार्य करते हैं, उसके कारण भी आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आपके जीवन में खराब परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दें कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उस पर आपको विचार करने की जरूरत नहीं है, उसे तो आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो सच है कि बीता हुआ समय आपको बहुत कुछ सिखा गया है और आपने जरूर कुछ अच्छा अनुभव भी किया होगा। आपने देखा है कि बुरे वक्त में किसने आपका साथ दिया है, अपनों के बीच में कौन अपना है और कौन पराया है, कौन सा तारीफ करता है और कौन बीच में रहकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और पीठ पीछे कौन बुराइयां करते हैं। अब आपको सभी प्रकार की सीख को लेने के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है, और आप आगे जानते हैं आपको कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन में अच्छे बुरे वक्त में बहुत कुछ अनुभव कर लिया, बहुत कुछ सीख लिया और बहुत सारी परेशानियों को झेल लिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यह समय अवधि में आपकी परेशानियों का अंत होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने पिछले समय जो भी गवाया है वह यश में आपको मिल रहा है। दोस्तों आपका बुरा वक्त अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और आपके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होते हुए इस महीने में आपको नजर आने वाले हैं। दोस्तों यश में आपके ग्रह गोचर प्रबल स्थिति में है, महिला वर्ग को अपनी योग्यता और कार्य क्षमता द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल हो सकती है। इसलिए दोस्तों पूरा मन लगाकर अपने कार्यों के प्रति प्रयास करते रहें, बच्चों को सकारात्मक गतिविधियों से यश में खुशी प्रदान होंगी। दोस्तों इसके उपरांत यश में सावधानी की अगर बात करें तो दोस्तों अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने अधिक बखान ना करें। जलन की भावना से कुछ लोग आपके लिए नकारात्मक विचार भी यश में रख सकते हैं। दोस्तों अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना, शांति से आपको काम लेना चाहिए, किसी प्रकार की आर्थिक दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों यश में अनावश्यक खर्चों पर आप कंट्रोल रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में यात्रा से जुड़ी योजनाओं में अंतिम समय पर बदलाव आ सकते हैं, यात्रा करते समय आपको अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। दोस्तों महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल कर रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। यदि आप घर में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो दोस्तों यश में जो है योग्य समय होगा, यश में आप बदलाव कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आप घर से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अधिक संजीदगी और गंभीरता से भी पूरा करेंगे। दोस्तों अपने जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाने से जो है व्यक्तित्व में और अधिक निखार आएगा। काफ़ी समय से कोई खोई हुई वस्तु भी यश में आपको मिल सकती है। इसके उपरांत दोस्तों अचानक से कोई खर्चा सामने आ सकता है जिसकी वजह से टेंशन रहेगी, परंतु दोस्तों यश में धैर्य और संयम से ही आपको काम लेना चाहिए, ये आपके लिए उचित होंगे। दोस्तों वाहन अथवा संतान की शिक्षा से संबंधित लोन लेने के पेपर वर्क को यश में ध्यान से आप चेक कर लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आप जरूरत से अधिक भावुक महसूस करेंगे जिसका असर आपके निर्णय क्षमता पर भी हो सकता है। दोस्तों पिता के द्वारा लिए गए निर्णय की वजह से आपको मानसिक तकलीफ का भी सामना करना होगा,
आपकी भावनाओं को दूसरों के द्वारा न समझ पाना आपके लिए अधिक तकलीफदायक रहेगा। मित्र द्वारा आपको जो साथ मिल रहे हैं उनसे दोस्तों आप विवादों से यश में बच पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको अचानक ही चमत्कारिक रूप से किसी भावी लक्ष्यों की प्राप्ति भी होगी, जिससे दोस्तों आपका आत्मविश्वास और अधिक मजबूत होगा। घर में नजदीक रिश्तेदारों के आगमन से खुशनुमा माहौल भी रहेगा। विद्यार्थियों को भी अपनी मेहनत के उचित परिणाम यशमय हासिल होंगे। साथ ही दोस्तों यशमय ध्यान रखें कि किसी नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति की बातों में आकर अपना कोई बड़ा आप काम बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों अपने व्यक्तिगत के अलावा जो है सामाजिक गतिविधियों पर भी अपना ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। साथ ही दोस्तों यशमय किसी भी प्रकार की यात्रा को स्थगित रखना आपके लिए उचित होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके मन में चल रही योजनाओं को प्रगति में देख कर आपके मन में आनंद होगा। दोस्तों खुद के प्रति बदला नजरिया आपको दूसरों की नज़र में भी और बेहतरीन बना सकता है। दोस्तों योग व्यक्ति द्वारा मार्गदर्शन मिलने की वजह से आप जो है प्रगति की और तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों, कोई शुभ समाचार मिलने से आप अपने अंदर जो है अद्भुत आत्मविश्वास और ऊर्जा भी महसूस करेंगे। परंतु दोस्तों किसी भी कार्य में घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह पर आप अमल अवश्य करें। घर के सुधार या फिर परिवर्तन संबंधी योजनाओं पर भी कोई महत्वपूर्ण कार्य यह समय हो सकता है। साथ ही दोस्तों किसी के साथ भी बातचीत करते समय अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। दोस्तों यश में आपके द्वारा बोली गई कोई नकारात्मक बात संबंधों को खराब कर सकती है। फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाएं तथा दोस्तों पेशे के लेन देन संबंधी कोई भी कार्य में ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, जीवन से जुड़ी हर बात के बारे में कुछ ना कुछ आनंद यश में आपको प्राप्त होगा। मित्र द्वारा मित्र परिवार के साथ संबंध बेहतरीन बनाने की वजह से आपको जो है यश में मानसिक समाधान भी प्राप्त हो सकता है। दोस्तों आपके द्वारा किए गए जो काम है उनकी प्रशंसा यश में हो सकती है। नए व्यक्ति के साथ हुआ परिचय आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में व्यवसायिक क्षेत्र में कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखें। यश में जो आप जो अपने लक्ष्य को निर्धारित किए हैं उसके लिए बहुत अधिक मेहनत करने की भी आपको आवश्यकता होगी। दोस्तों सरकारी सेवारत व्यक्तियों पर कार्यभार की अधिकता रहेगी। उच्च अधिकारियों का भी दबदबा यश में आपके ऊपर रह सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आर्थिक रूप से दिन आपके लिए उत्तम होंगे। दोस्तों व्यवसाय में बदलाव संबंधी योजनाओं पर विचार होगा। दोस्तों कुछ परेशानियों के बावजूद भी योजनाएं काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने काम पर अधिक ध्यान देने की यशमय जरूरत होगी। दोस्तों यशमय ट्रांसफर संबंधी प्रयास ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों, कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने का आपका जो प्रयास है यश में सफल रहेगा। परंतु दोस्तों रुपये पेशे के मामले में किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी फाइलें व फिर डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें, उनका दुरुपयोग होने की भी आशंका यह समय बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों, कार्य क्षेत्र में पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों का यश में अंत होगा और इनसे आप राहत महसूस करेंगे। आर्थिक मामलों में घर के किसी वरिष्ठ व फिर अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन और सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय भी यश में फायदेमंद में रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान अवश्य करें। प्रेम संबंध में किसी प्रकार की गलतफहमियां भी यह समय उत्पन्न हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ में वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। दोस्तों घर के बुजुर्गों की सेवा और देखभाल भी करना आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए समय होंगे दोस्तों, यश में पति पत्नी के बीच किसी गलतफहमी को लेकर तनाव भी रह सकता है। दोस्तों यह समय वैवाहिक जीवन में जो है सामंजस्य बनाकर रखने के लिए आपको अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। दोस्तों पारिवारिक वातावरण को खुशनुमा बनाने के लिए परिवार लोगों के साथ मनोरंजन और शॉपिंग संबंधी प्रोग्राम बनाएं। यश में प्रेम संबंधों को मर्यादित पूर्ण रखना आपके लिए आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों नसों में खिंचाव और दर्द रहेगा। योगा और व्यायाम पर आप अधिक ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे तथा दोस्तों यश में अपनी दिनचर्या का भी आप व्यवस्थित रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।
इसको बयान दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे सर्वाइकल या फिर मांसपेशियों में दर्द आपको परेशान करेगा। व्यायाम जरूर करें, साथ ही दोस्तों आराम भी लेना आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यह समय खांसी जुकाम बुखार जैसी मौसमी दिक्कत रह सकती है। दोस्तों यह समय आयुर्वेदिक चीज़ों का आप अधिक से अधिक सेवन करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे किसी समय जो है नकारात्मक विचारों आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे दोस्तों आप थकान व फिर तनाव भी महसूस करेंगे। यह समय मेडिटेशन पर ज़्यादा ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा, तो दोस्तों इस पर आप जरूर ध्यान दें।